यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से अब खुद अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतरेंगे। सपा ने सीट से 2 दिन पहले ही तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया था। फिर क्यों 48 घंटे में तेज प्रताप को हटाने की नौबत आ गई और क्यों खुद अखिलेश को सीट से उतरना पड़ा, रिपोर्ट देखिए। कन्नौज लोकसभा सीट से अब खुद अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतरेंगे। सपा ने इस सीट से 2 दिन पहले ही तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया था। फिर क्यों 48 घंटे में तेज प्रताप को हटाने की नौबत आ गई और क्यों खुद अखिलेश को इस सीट से उतरना पड़ा। लोकसभा चुनाव में यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा बार बार सपा की बदलती लिस्ट और उम्मीदवारों के नाम की है। समाजवादी पार्टी ने अभी 2 दिन पहले ही कन्नौज लोकसभा सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, जो कि सफाई परिवार से हैं और अखिलेश के भतीजे हैं। तेज प्रताप 24 अप्रैल को कन्नौज सीट से नॉमिनेशन भी दाखिल करने वाले थे, लेकिन अब उनका नामांकन टल गया है। अब खबर है कि सपा से कन्नौज सीट से उम्मीदवार बदल दिया गया। ऐतन नगरी की लोकसभा सीट से तेज प्रताप की जगह अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। सपा महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव की उम्मीदवारी का ऐलान किया। रामगोपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश 25 अप्रैल की दोपहर कन्नौज सीट से नामांकन करेंगे। सपा इससे पहले बदायूं, मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिख, गौतम बुद्ध नगर सीट से भी उम्मीदवार बदल चुकी है। अब कन्नौज से उम्मीदवार बदलने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव के रण में कन्नौज सीट से क्यों अखिलेश यादव को खुद उतरना पड़ रहा है और क्यों तेज प्रताप को उम्मीदवारी के ऐलान के 48 घंटे के भीतर ही हटाने की नौबत आ गई। सपा ने कन्नौज सीट से अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप को टिकट दिया। तेज प्रताप की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से ही सपा की लोकल यूनिट इस फैसले के विरोध में उतर आई। कन्नौज के सपा नेताओं का एक डेलीगेशन पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने पहुंचा था। सपा नेताओं के डेलीगेशन ने अखिलेश को कार्यकर्ताओं की नाखुशी से अवगत कराया और ये मांग दोहराई कि इस बार के चुनाव में वह खुद उतरें। लोकल लेवल पर सपा के कार्यकर्ता तेज प्रताप की उम्मीदवारी पर नाखुश थे, ये तर्क दिया गया। बड़ी आबादी ने तेज प्रताप का नाम तक नहीं सुना है। लोकल नेता किसी भी सूरत में पार्टी की स्थिति कन्नौज से कमजोर होने देना नहीं चाहते। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी और लोकल लेवल से मिले इनपुट के बाद अपना गढ़ रहे कन्नौज को किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती समाजवादी पार्टी, इसलिए तेज प्रताप को हटाने की नौबत आई। लोकल यूनिट की नाराजगी के साइड इफेक्ट आजम खान के गढ़ रामपुर में देख चुकी समाजवादी पार्टी। रामपुर में सपा के कई नेताओं ने पार्टी उम्मीदवार की बजाय बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया था। अब रामपुर में टिकट को लेकर लोकल नेताओं की नाराजगी का इफेक्ट कितना होता है ये तो नतीजों से ही पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश अब सतर्क हो गए हैं और इसलिए सपा कई जगह टिकट का ऐलान करने के बाद 2 से 3 बार उम्मीदवार बदल चुकी है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।